सुधीन भदौरिया अंदर नजर बंद कर दिया जाए घर के, उनके फोन छीन लिए जाए, उनको बात ना करने दी जाए किसी से? देखिए, जिन्होंने कृत्य में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, पर साथ ही साथ में ये जोड़ना चाहूंगा, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी और अधिवक्ता हो जो जाकर वहां पर गांव में उस परिवार की मदद करना चाहता है एक वकील के नाते, और पत्रकार कुछ जानकारी निकालना चाहते हैं, उनको रोका नहीं जाना चाहिए। ये घिनौना कृत्य हुआ है, इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पर मैं ये जरूर कहूंगा, आज जो घड़ियाली आंसू कुछ लोग बहाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने क्योंकि एक बहुत लंबा जीवन रहा है, मैंने भी जब यहाँ पर इनके कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, जब मलियाना में हमने जाने की कोशिश की, जब वहां दंगे हुए तो हमको भी दिल्ली के बॉर्डर से धकेल दिया गया था, हमने वो दौर भी देखा है। राजस्थान में ये अगर हो रहा है तो वहां पर इसका उत्तर देना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहना हो कि आप यहाँ क्या देख लीजिए, हो क्यों रहा है? मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हो क्यों रहा है? देश में एक बाढ़ सी आ गई है, एक वातावरण बना है जहां ये सामंतवादी ताकतें चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, उनको अब लगता है जैसे कोई लाइसेंस मिल गया है, ताकत मिल गई है, वो जो मर्जी कर लें, क्योंकि दलित हित, पिछड़े हित, आदिवासी हित, गरीब हित, इन लोगों की आवाज इस समय निसंदेह हमारे इस 2020 के अंदर कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखाई दे रही है। इसलिए ये हम लोगों को भी अवसर है, राजनीति के बहुत अवसर आएंगे, हम लोग भी राजनीति करेंगे, हम लोग भी सफदरजंग हॉस्पिटल जा सकते थे, हमने विरोध किया, अपने मीडिया के माध्यम से किया, संवैधानिक ढंग से किया, लोकतांत्रिक ढंग से किया, पर हम इस अवसर को एक राजनीतिक रोटियों को सेकने का अवसर नहीं बनाना चाहते। वो पीड़ित है और तमाम घटनाएं घट रही हैं, बलरामपुर में भी घट रही हैं, अन्य जगहों पर जा रहे हैं, कलकत्ता भी जा रहे हैं, पर हम यहाँ पर इसको एक रोटी सेकने का, यहाँ पर आशा देवी आप जायज नहीं मानते वहां जाना किसी का? शीला दीक्षित आपको लगता है किसी को नहीं जाना चाहिए? लोग तो चूड़ियां भेंट रख कर रहे थे, और जो कांग्रेस पार्टी है ये हम लोगों पर आंसू कैस कर फेंक रही थी, ये हम लोगों पर सर्दियों के दिनों में पानी का बौछार कर रही थी, तो हमने वो तमाम दौर देखे हैं। ये न बताया जाए, उपदेश न दिए जाए दोनों तरफ से कि हम ये अच्छे हैं और वो गंदे हैं, और वो गंदे हैं हम अच्छे हैं। चलिए सर, एक तस्वीर और दिखा देते हैं, देखिए इंडिया गेट पर इस समय क्या चल रहा है, वहां भी एक मोर्चा खुल गया, स्वरा भास्कर कूद पड़ी है वहां और उन्होंने मोर्चा खोल रखा। तब्दील होंगे वो हमारी शक्ति में तब्दील होंगे।